प्रभु यीशुआ के पास छोटे बच्चों के लिए योएल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन के और भजन संहिता के 8वें अध्याय के दूसरे वचन में बताई गई इन आखिरी दिनों के भविष्यवाणी का अभिषेक है। छोटे बच्चों को इस बारे में और भविष्यवाणी के रहस्यों के बारे में गहराई से सिखाने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए हमारे भविष्यवक्ता एंजल टेवी हर साल नन्हे सितारे भविष्यवक्ता शिविर का आयोजन करती है। से भी ज्यादा बच्चों ने इस शिविर में हिस्सा लिया था। पर प्रभु की सात आत्माओं के बारे में पाठ सिखाया गया था। दिनों में प्रभु ने सारे बच्चों को उनकी सात आत्माओं के अभिषेक से भर दिया था। वो जगह छोटे स्वर्ग लोक की तरह लग रही थी। प्रभु ने उस जगह पर छोटे बच्चों के साथ बात की थी। जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनके अनुभव सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए थे। इस बात को भले ही एक साल हो गया हो लेकिन आज भी उनकी गवाही हमारे आंखों को नई लगती है। उन अद्भुत गवाहियों में से एक अद्भुत गवाही आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं देखने के लिए? तो हम देखते हैं। एलिजाबेथ है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। ये मेरा पहला दर्शन है। प्रभु एक बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्होंने सबके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना की। ये मेरा दूसरा दर्शन है। स्वर्गदूतों ने सबके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना की, सबके ऊपर हाथ रखा। हाँ, और तीसरा दर्शन ये है, मैंने आज देखा प्रभु यीशुआ एक पहिए पर बैठे थे और वो एक झंडा फहरा रहे थे। उन्होंने सबके ऊपर हाथ रख कर सबके ऊपर सब बच्चों पे हाथ रखकर प्रार्थना की। हमने क्लासरूम में गोल बैठकर प्रार्थना की और उस गोल के अंदर एक शेर बैठा हुआ था, हमने ऐसा देखा। थैंक यू।
मुझे शैतान को गर्म पानी में डालने के लिए कहा और मैंने उसे डाला तो वो जल गया। फिर प्रभु ईश्वर के पास एक बाइक थी, फिर मैंने वो बाइक चलाई और प्रभु ने कहा कि बाइक अच्छे से चलाओ और फिर मैंने वैसा ही किया और प्रभु ईश्वर सामने खड़े थे तो प्रभु गोल जैसे दिख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे एक बाइक दी और फिर प्रभु ने मुझे उसमें पेट्रोल डालने के लिए कहा, फिर मैं बाइक पर चली गई और फिर वो एक साइकिल जैसे बन गई थी। मैंने पूछा कि ये साइकिल कैसे बनी, फिर प्रभु ने भी पूछा कि ये साइकिल कैसे बन गई और फिर वो बाइक बन गई। फिर प्रभु ने मुझसे बात की और फिर प्रभु ने मुझे अंदर ही छोड़ दिया और चले गए। मेरा नाम जोएल है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने प्रभु यीशुआ को शिविर के दूसरे दिन देखा और तीसरे दिन वो मेरे कानों में यहूदा के शेर की तरह दहाड़े। मैं 1री कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरा नाम है जेसिका। मैं आपको मेरे दर्शन के बारे में बताऊंगी। मेरा पहला दर्शन है सभी स्वर्गदूत प्रभु यीशुआ और मैं शैतान के विरुद्ध एक घेरे में बैठ गए और जब शैतान हमारी ओर आ रहा था तब हमने उसे हरा दिया और शैतान हार गया। फिर प्रभु ने मुझे एक लाल रंग का दिल दिया, फिर एक आग का स्तंभ आसमान में उड़ रहा था। मैंने एक रंग बिरंगी ड्रेस देखा जो बाद में कुछ देर बाद सुनहरे रंग में बदल गया था। डैनियल और उसके दोस्त उस शेर की गुफा में थे और जैसे ही बिजली कड़की वो डर कर वहाँ से वापस घर आ गए थे। मेरा नाम एमी है, मैं 2री कक्षा में पढ़ती हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब मैं स्वर्ग लोक में गई थी। जब मैं वहाँ जा रही थी तब मुझे एक स्वर्ण द्वार दिखा वहाँ पर और वो अपने आप ही खुल गया जैसे ही मैं वहाँ पहुँची। जब मैं अंदर पहुँची तो वहाँ बहुत सारे प्राणी और फूल थे जो बोल रहे थे, प्राणी भी बोल रहे थे। मुझे वो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ एक तेजस्वी प्रकाश मुझे दिखा और मैं उसके पास गई तो मुझे दिखा कि प्रभु यीशुआ और कई स्वर्गदूत वहाँ पर थे। फिर प्रभु ने मुझसे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो मैंने कहा कि मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल में फर्स्ट आना है। उन्होंने कहा कि बेशक तुम चंगाई पाओगी और फिर मैं नीचे आ गई। मेरा नाम शालोम ब्लेसी है। जब मैंने नन्हे सितारे में हिस्सा लिया तो मैंने प्रार्थना की और जब मैं
प्रार्थना कर रही थी तब वहाँ प्रभु यीशु आए। स्वर्गदूत ने पूछा कि कहाँ गई थी, तो वहाँ पर स्वर्गदूत थे, मैं उनसे मिलने गई थी, प्रभु ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे एक ड्रेस और पंख दिए, और फिर एक शैतान आया, मैंने उसे, प्रभु ने मुझे जो तलवार दी हुई थी उसे हरा दिया। वहाँ फिर से शैतान आया, उसने मुझे पतंग के जैसा कुछ दिया, मैंने उसे फिर से हरा दिया, और ठीक ऐसा किया, और वो शैतान मर गया। ब्लेसी, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी माँ की बात सुननी चाहिए, बस यही इतना ही कहा। मैं सैमुएल हूँ, मैं कोलाथुर से आया हूँ, मैं 11 साल का हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब एक स्वर्गदूत आग के रथ में आए, और वो स्वर्गदूत मुझे स्वर्गलोक में लेकर गए। वहाँ एक बड़ा सा गेट था, तो स्वर्गदूत गेट के पास ही खड़े थे। बहुत से लोग अंदर आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, स्वर्गदूत ने आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुमने पाप किया है, नरक में जाओगे। जब मैं अंदर आया तो वहाँ बहुत लोग आराधना कर रहे थे और गीत गा रहे थे। फिर प्रभु आए वहाँ पर, मैंने उनसे पूछा, मुझे अचानक रोने की आवाज़ें क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दुनिया में पाप किया है वो लोग नरक में रो रहे हैं, और उन्हें पृथ्वी पर, तुम पृथ्वी पर जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ, और बताओ कि उन्हें नरक में जाकर कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रभु ने मेरा अग्नि से अभिषेक किया, और उस वक्त मेरे अंदर के सभी अंग बहुत तप रहे थे, तो बहुत वहाँ पे गर्म हो रहे थे, और इतना तपने के बाद फिर मुझे अभिषेक मिला। पहले मुझे सिर्फ अभिषेक मिला था, लेकिन अब मैं अन्य भाषा में बात करने की मुझे भेंट भी मिली है। मेरा नाम रक्षिक जॉय है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु यीशु आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा। मेरा नाम माहेश्वरी है, मैं तीसरी कक्षा में हूँ। प्रभु यीशुआ ने मुझसे बात की थी, और मैंने एक अंधेरा कमरा देखा था, उस कमरे के अंदर एक टेबल पर एक मोमबत्ती रखी हुई थी। वो मोमबत्ती धीरे धीरे तेजस्वी होने लगी। जब उसका तेज बढ़ रहा था तब मैंने प्रभु यीशुआ को वहाँ देखा, उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे, वो किसी राजा का पोशाक लग रहा था। जब उन्होंने कहा कि प्रभु उनके हाथों से हमारे दिलों पर लिख रहे हैं, तब प्रभु ने मेरे भी दिल पर लिखा, उन्होंने मेरे दिल पर ये लिखा कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, और ये एक मैं एक शहीद भी हूँ जो प्रभु यीशुआ के लिए ही मरेंगे। जब मैं डांस कर रही थी तब मैंने एक जगह देखी, पर वहाँ कोई स्वर्गदूत नहीं था, वहाँ सिर्फ प्रभु यीशुआ और मैं ही थी, और वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर मैंने वहाँ पर डांस किया। आमीन। मैंने आके घोड़े देखे थे, बाद में मुझे एक दर्शन हुआ, और फिर प्रभु मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया वहाँ पर, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं डैनियल हूँ, मैं केरला कन्नूर से आया हूँ। पहली
पहली बार मैंने ये देखा था कि यहूदा का शेर मेरे पास आया और आकर दहाड़ा। जब मैं ये सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है, तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं प्रभु हूँ। फिर मैंने दूसरी आवाज़ सुनी, फिर से दहाड़ने की आवाज़ थी। फिर यहूदा का शेर प्रभु यीशुआ में बदल गया। उनके प्रभु यीशुआ में बदलने के बाद एक स्वर्गदूत प्रभु के पास आया। उन्होंने उन्हें एक मुकुट और तलवार दी। उन्होंने उसे लाया और वो मुकुट मेरे सर पर रखा और वो तलवार मेरे हाथ में दी। बाद में प्रभु यीशुआ एक हरी भूमि में थे। वो उस जगह एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब मैं प्रभु के पास गया, तब सभी स्वर्गदूतों ने जोरों से गीत गाना शुरू किया। मेरे अगले दर्शन में मैंने एक रथ देखा। वो एक योद्धा का रथ था। वो रथ मेरे अगल बगल घूमा, तब मैं खड़ा नहीं रह पाया और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद यहूदा का शेर मेरे पास आया और उसने मेरे सर पर थपथपाया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या लिखा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें महान भविष्यवक्ता की तरह उपयोग करूँगा, ऐसा कहा उन्होंने। फिर यहूदा के शेर ने मुझे उस पर सवार होने को कहा और फिर वो मुझे दौड़ते दौड़ते कहीं लेकर गया। और फिर वहाँ पर एक शैतान था और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मेरा राज्य करने के लिए दूंगा, पर तुम्हें बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना बंद करना होगा, सिर्फ तभी तुम अच्छे से रह सकोगे और मेरा राज्य संभाल सकोगे। लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर मेरे पीछे से 9 योद्धा आए। वो 9 योद्धा थे। वो 9 योद्धा और एक मैं मिलकर कुल 10 लोग हो गए। उन 9 योद्धाओं के साथ मिलकर मैंने शैतान के सिंहासन को और उसके सेवकों को और उसके जमीन को ढेर कर दिया। फिर उसका पूरा क्षेत्र खून से भर गया था। और उसके बाद मुझे पंख मिले। फिर हम उड़कर स्वर्ग लोक चले गए। यहूदा के शेर को भी पंख थे। जैसे ही मैं उस पर सवार हुआ, मेरे पंख गायब हो गए। फिर वो उड़ा और उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मेरा नाम ग्रेस एंजल ग्लोरिया है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने जब पहली बार दर्शन देखा, तो मैं प्रार्थना कर रही थी वहाँ पर, और मुझे लगा कि जैसे कोई मुझ पर पानी छिड़क रहा है। और फिर मैंने वो कौन छिड़क रहा है ये देखने के लिए मेरी आंखें खोली, तो वहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू रखा। फिर मेरे सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ, और वो प्रकाश जब प्रकट हुआ, तो वो प्रकाश देखकर मैं डर गई थी। और फिर उस तेजस्वी प्रकाश ने मुझसे ये कहकर बात की कि डरो मत, मैं यीशुआ पिता हूँ। फिर मैंने प्रभु से बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की। फिर प्रभु यीशुआ मुझे स्वर्ग लोक लेकर गए। मैंने वहाँ बहुत सी जगह देखी। मैंने उनका सिंहासन देखा और जलती हुई भेड़ देखी, उसका बच्चा देखा। फिर प्रभु यीशुआ मुझे नरक लोक लेकर गए और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। और फिर उन्होंने मुझे एक तलवार दी, तो वो तलवार ले ली मैंने। और फिर मैं वहाँ गई और शैतान पर विजय हासिल करके वहाँ से वापस आ गई। फिर प्रभु ने मुझे घर पर छोड़ दिया और फिर मैंने प्रभु यीशुआ का शुक्रिया अदा किया मुझे स्वर्ग लोक दिखाने के लिए। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम मिल्टन है। मैं मनाली चेन्नई से हूँ। मैं 12 वर्ष का हूँ।
जब मैं आराधना के वक्त प्रार्थना कर रहा था, मैं एक बहुत बड़े पत्थर पर खड़ा था। मैंने देखा कि छोटे शैतान दाईं और बाईं ओर से दौड़ रहे थे। उनमें से एक ने मुझे पूछा कि क्या मैं प्रभु का बच्चा हूँ। इससे पहले कि मैं उस छोटे शैतान को जवाब देता, यहूदा के शेर ने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद उसने मुझे साथ चलने को कहा, मैं उसके साथ गया। वहाँ एक पहाड़ी थी, जैसे ही मैं वो पहाड़ी चढ़ा और उसकी दूसरी तरफ गया, वहाँ सब मेरा स्वागत कर रहे थे। उसके बाद वहाँ थोड़ी सी जगह थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। फिर उसके बाद मुझे तलवार और योद्धा के वस्त्र मिले, मैंने सब कुछ पहन लिया। फिर यहूदा के शेर ने दहाड़ा और लूसीफर को मारने चले गए। फिर उसके बाद हम सब उन सारे छोटे शैतानों का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए चले गए। और फिर यहूदा के शेर ने लूसीफर को पराजित किया और उस पर विजय पा ली। फिर अंधेरी जगह पूरी तरह प्रकाशमय हो गई। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम निरुपमा मरसी है, मैं बेंगलुरु से आई हूँ। मेरी उम्र 11 है। पहले ही दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तब दो स्वर्गदूत तट पर सवार होकर आए और वो मुझे स्वर्गलोक में लेकर गए। मैंने स्वर्गलोक में बहुत से कमरे देखे और उन कमरों में अलग अलग तरह के स्वर्गदूत थे, लेकिन स्वर्गदूत मुझे एक बड़े कमरे में बने हुए स्टेज पर लेकर गए। प्रभु यीशुआ उस स्टेज पर थे। जब मैं उस स्टेज पर गई, तब प्रभु यीशुआ ने मुझे ताज पहनाया और उन्होंने मुझे एक किताब दी। उस किताब में इस दुनिया में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके नाम लिखे हुए थे। प्रभु यीशुआ ने मुझसे कहा कि वो बच्चे डरे हुए हैं और कहा कि मुझे उनको बताना होगा कि डरने की ज़रूरत नहीं, और ये भी कहा कि प्रभु उनके साथ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम जेनिफर है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। जब मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी, तब किसी ने मेरे सर को छुआ और फिर मेरे सर में अजीब सा महसूस हुआ। मैं प्रभु से अभिषेक मांगने के लिए प्रार्थना कर रही थी और तब मैं समझी कि उन्होंने मेरा अभिषेक किया है। मैंने ये बात जब मेरे माता पिता को बताई, तब मुझे इस बात का मतलब समझा। मेरा नाम स्मिता है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। पहले सेशन के दूसरे दिन प्रभु यीशुआ मेरी बगल में यहूदा का शेर के रूप में बैठे थे। प्रभु यीशुआ ने कहा कि उन सब रथों में से एक रथ को उन्होंने मेरे लिए चुना है। फिर योद्धाओं के रथ में बैठे दोनों ने मुझे आवाज़ लगाई, उन्होंने मुझे रथ में बिठाया। जैसे ही मैं रथ में खड़ी रही, मेरे पैर जलने लगे और वो रथ स्वर्गलोक की ओर निकल पड़ा। और फिर बाद में यहूदा का शेर मुझे स्वर्गलोक की उस जगह ले गया जहाँ सभी स्वर्गदूत प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा कि देखो, सभी स्वर्गदूत नाच रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, तुम्हें भी वैसे ही आराधना करनी चाहिए। और फिर बाद में दूसरे सेशन में प्रभु फिर से मुझे स्वर्गलोक लेकर गए दूसरे सेशन में। और फिर दूसरे सेशन में ऐसा हुआ था कि उन्होंने उनके हाथों से मेरे माथे को कुछ तो भी मतलब लिख दिया था। उन्होंने कहा था वो हर बच्चा जो इस भविष्यवक्ताओं के शिविर में आया था, उस सभी को प्रभु की सात आत्माएं प्राप्त होंगी। और तीसरे दिन वो फिर मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और वहाँ उन्होंने मुझे एक कवच दिया, ढाल दी और तलवार भी दी। और फिर स्वर्गदूत ने मुझे योद्धाओं का पोशाक पहनाया और मुझे युद्ध की तालीम दी। उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे अभ्यास भी करवाया। और मेरा नाम जेपी दिव्या है, मैं तीसरी कक्षा में हूँ। पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तब प्रभु ने मुझसे कहा कि यहाँ जो भी बच्चे हैं सभी भविष्यवक्ता हैं। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर के लोग ज्यादा पाप करते हैं, पाप हर जगह पर दिखाई देता है। तो प्रभु यीशुआ ने मुझे एक दर्शन दिखाया। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तब आसमान से एक आग बरसी।
आग ने मुझे पूरी तरह चारों तरफ से घेर लिया था और फिर महान प्रभु यीशुआ मुझे एक जगह पर लेकर गए। वहाँ एक धुआं जैसा था और उनके पीछे से सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत सारे इंद्रधनुष देखे थे जब वो मुझे बहुत दूर लेकर गए और स्वर्गदूत उनके बगल में खड़े थे और दोनों तरफ से, और वो एक पत्थर था और जिसके ऊपर धुआं था जो उसकी आउटलाइन जैसे दिख रहा था। आज मैंने महान प्रभु यीशुआ को देखा और उनके स्वर्गदूतों को भी उनके साथ देखा, और महान प्रभु यीशुआ ने कहा कि आज के वक्त में बहुत ही कम संख्या में लोग स्वर्ग लोक में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग एक ही क्षण में नरक में जा रहे हैं, और इसीलिए प्रभु यीशुआ हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। के दूसरे अध्याय के 28वें वचन को और भजन संहिता के 8वें अध्याय और दूसरे वचन को पूरा करने के लिए ऐसे छोटे बच्चों को इन सभाओं के द्वारा सब सिखा रहे हैं। जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं वे उठे और इस आखिरी दिनों के अभिषेक को प्राप्त करें। प्रभु के पवित्र मेजबान होने के लिए सीधे खड़े हो जाइए। यश अटल है। mallak.kuttis@angeltv.org